समय रैना आज इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक हैं। धड़ाधड़ जोक्स मारते हैं सिर्फ स्टेज पर ही नहीं अपने लाइव स्ट्रीम पर भी। पर मैं आज आप लोगों को उनका पहला वीडियो दिखलाऊंगा जिसे देखकर आप चौंक जाओगे कि भाई यही समय रैना है। वीडियो में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्टैंड अप जासूस फिर से लेकर आ गया बहुत सारी अपडेट कॉमेडियन कम्युनिटी से। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और हो सके तो भाई मुझे ये भी टिप्स देना कि मैं अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकता हूं, मतलब क्या सुधार कर सकता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफ फर्गी के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करा था कि मुनाफ फर्गी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, पर क्या आएगा वो नहीं बताया था, उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम प्रत्योष आनंद जो कि एक शूटिंग टीम का मेंबर है, मतलब मीडिया शूटिंग कैमरा शूटिंग ऐसा कुछ करते हैं वे लोग, तो वही जो है मुनाफ फर्गी का अगला प्रोजेक्ट शूट करने वाले हैं। तो वे कुछ दिनों पहले ब्लॉग रिपोर्ट गए थे जिसमें मुनाफ के साथ शूटिंग वाला सीन भी डाले थे, उसी में बताया कि उनका जो लाइफ जर्नी पूरा पूरा मुनाफ का वे दिखलाने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ म्यूजिक वीडियो आए जिसमें पूरा पूरा लाइफ जर्नी दिखाया जाए मुनाफ फर्गी का, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म भी आ सकती है। दोस्तों आज बढ़िया हमारी वी स्माइल मीडिया की क्रू जा रही है फॉर अ वेरी स्पेशल शूट फॉर द वन एंड ओनली मुनावर फरूकी। मुनावर भाई अब तुम लोगों ने देख लिया भाई काफी खास हो चुके हैं, हमारे क्लाइंट तो है ही भाई। इज बीन अ क्लाइंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इज बीन अ ग्रेट फ्रेंड विद द एंटायर क्रू। इट्स वेरी फन वर्किंग विद हिम अलोंग साइड विद हिम। व्हाट वी आर शूटिंग विद हिम टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। एक बहुत प्यारी सी रील है व्हिच इज एसेंशियली गोइंग टू शो हिज एंटायर जर्नी, ठीक है। मुनावर भाई का पूरा सफर दिखाना है हमें एक शाम में, तो देखते हैं भाई बढ़िया मजे आएंगे आज के शूट में भी। तुम लोग भी देखो मस्त एकदम, चलो आ जाओ। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो कि मनीष पोल वर्सेस लॉर्ड पुनीत के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मनीष पोल पोक किए थे पुनीत सुपरस्टार को, उसका दिन को माफी मांगना पड़ा था, इतना ज्यादा उनको हेट मिल रहा। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले जब बिग बॉस ओटीटी में पुनीत सुपरस्टार उस टाइम पे अपना फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए थे मनीष पोल, तो उसी के बारे में मनीष पोल से कुछ क्वेश्चन करती है मीडिया, तो फिर वो लॉर्ड पुनीत को बेइज्जती कर देते हैं। हेलो भाई, वो पुनीत सुपरस्टार के बारे में क्या बोल? नहीं मैं तो रफू चक्कर के बारे में, वो रफू चक्कर हो गया। उसका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल जाती है। लॉर्ड पुनीत का जो फैन है उनको काफी ज्यादा हेट देने लगते हैं इंस्टाग्राम के कमेंट्स में या फिर सारी जगह। मनीष पोल को सॉरी बोलना पड़ता है मीडिया के सामने, आप भी देखो ये क्लिप। बाद उनको पुनीत सुपरस्टार के फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिला एंड फाइनली ही सेड सॉरी, आप खुद देख लीजिए। मैं एक्चुअली नहीं कमेंट करना चाहता। तब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर जो कि समय रैना के बारे में। जिस वैसे इंडिया के चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें समय रैना और सागर राह समय के पहले वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहे थे। अभी समय जितना कॉन्फिडेंस है आपको इस वीडियो को देखकर कभी भी नहीं लगेगा कि ये समय का ही वीडियो है। इसके बारे में पूरी स्टोरी बताया समय, तो आप भी देखो ये क्लिप। मैं कोशिश कर रहा था ना कि अब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में फंस गए हैं, कुछ तो करें, बाहर तो निकले। तो मैंने पोएट्री ट्राई की, फिर मैंने देखा नहीं हो रहा, फिर मैंने गिटार ट्राई किया, मैंने कहा बहुत मुश्किल रेस है, तो स्टार्टअप में करते हैं, एमबीए करेंगे इसके बाद, दैट्स द थिंग। तो एक स्टार्टअप ज्वाइन किया मैंने, चाइनीज कंपनी थी कॉल्ड क्रेजी बी, एंड देयर वाज नो रीजन टू कॉल इट दैट। उसका भी स्टोरी है कि उन्होंने एक द फाउंडर ऑफ द थिंग ही रियली लव्ड मी बिकॉज उसको कुछ तो रतन टाटा का एक स्पीच उसने सुना था पर उसको सबटाइटल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उसको बोला था डोंट वरी आई विल राइट इट डाउन वर्ड बाय वर्ड इन इंग्लिश ट्रांसलेट फॉर यू एंड गिव इट टू यू। तो फुल चमचागिरी बेसिकली। तो मैंने आई रोट दैट पोएम एंड हिज माइंड वाज ब्लोन बाय दैट पोएट्री दैट आई जस्ट। लेकिन क्या बनाया, मैं तो एकदम अलग दो मिनट में बनाया था मैंने, दो मिनट में ट्यून्स है देखो जस्ट टू नो प्लीज नो यार मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स एक्सपेंडेड माय नेटवर्क। You get to collaborate. You earn while you learn. It's your turn while you learn. If you have the yearn, that's a lot we return. Come be our intern. Oh no. तो अब अगली अपडेट कवर करते हैं जाकिर खान के बारे में। जाकिर खान साथ घूमने या फिर कोई टूर में गए थे, वहाँ वो छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ उनके छत्तीसगढ़ के सिंगर लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हुआ। अनुज शर्मा जो कि काफी फेमस सेलिब्रिटी है छत्तीसगढ़ के, उन्हीं के गानों का मजे ले रहे थे जाकिर खान और रवि गुप्ता, उन्हीं का क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसी बात एक इंटरव्यू भी उनसे किया था, इसमें वे पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ से इतना आपको लगाव क्यों है, तो वे बताते हैं कि उनका जो दोस्त था सबसे पहला दोस्त वे छत्तीसगढ़ का ही था और आना जाना उनका लगा रहता था लगातार उनके नानी घर या फिर कहीं भी, और इसीलिए उनको काफी प्यार है छत्तीसगढ़ से। तो ये क्लिप भी देखो आप। जब भी छत्तीसगढ़ के चर्चा होते तो आपका जुड़ाव या लगाव छत्तीसगढ़ से कहां वाला थे? मेरा इसलिए क्योंकि मेरा जो सबसे खास दोस्त है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और बुरे दिन देखे और हम
पिछले 15 साल से एक साथ एक ही घर एक कमरे से हमने शुरुआत की थी, एक ही घर में हम रहे। वो विश्वास जो है वो जहांगीर से है। अच्छा। और क्योंकि 3.5 साल हम लोग बेरोजगार रहे, तो मैं एक बार 1.5 महीना, एक बार 1 महीना मैं जो है जहांगीर में रहा हूँ। तो जहांगीर, चापा, नैला, भाटा पारा ये सब मेरा देखा हुआ है। इसके उसकी ज्यादा रिश्तेदारी थी, मामा उसके मामा के घर 3 दिन, उसके चाचा के घर, ऐसे सब जगह में हम रहे हुए, तो हमको समझ भी पूरा आता है। छत्तीसगढ़ में कोई भी हमको 5 रुपए का सामान 10 रुपए में नहीं बेच सकता। हमको सब सारा लैंग्वेज, सारा टोन, भले ही हम रहे हुए हैं, तो वो सारा हमको। तो अब अगली अपडेट के ऊपर, ट्विटर जैसा एक सिमिलर ऐप मेटा ने भी रिलीज किया, जिसमें काफी कॉमेडियंस लोग भी रिएक्ट किए, जो कि काफी फनी है, आपको जरूर से देखना चाहिए। तो बसी भाई इसमें सबसे पहले लिखते हैं, ना कभी एक्स्ट्रा सीट लिया है, ना थ्रेड चाहिए, मतलब ये स्टोरी डाले थे, मतलब वे ज्वाइन नहीं करेंगे थ्रेड को, ये बोल रहे हैं। तो उसी में एक फ्रेंड का रिप्लाई आता है, भाई मत लिखो, कुछ दिन बाद जुकी भाई करवा के ही छोड़ेंगे, बाद में सोचेंगे कितने चोर में लिखा था स्टोरी पर, और आप फिर से डाउनलोड कर लिया, मेरे साथ ऐसा ही हुआ कल। तो उसी में बसी भाई लिखते हैं, सेम ब्रो सेम, मुझे भी ऑलरेडी काफी प्रेशर आ गया है ज्वाइन करने का। उसका समय ने ट्वीट किया ट्विटर में, दिन भर ये थ्रेड ट्विटर इंस्टाग्राम कर लो, रात को मिलना तो एक ही वेबसाइट पे, मतलब समझ ही सकते हो तुम भाई क्या बोलना चाह रहे हो। फिर एक ट्वीट करे, नहीं भाई थ्रेड में वो मजा नहीं है जो ट्विटर के रिप्लाईज में सबसे नीचे जाकर हेडफुल कमेंट पढ़ने में था। उसके बाद अर्पित बाला एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो बताया कि उनका इंस्टाग्राम ही नहीं चल रहा था, वे थ्रेड नहीं डाउनलोड कर रहे थे। तो ये देखो आप, इंस्टाग्राम से ज्यादा लंड ऐप नहीं देखा भाई मैंने, ये थ्रेड ऐप डाला नहीं था, इंस्टॉल नहीं किया था, ना लॉग इन किया था। और भैनचोद ये लोग मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट वाला जो एप्लीकेशन होता वही नहीं चलाने दे रहे मेरे को। चलाता हूँ बंदोरा, अभी थ्रेड चलाया बहन जो फटाफट चल रहा है अब। तो दोस्तों आज के लिए इतने, ये वाले वीडियो में क्लिक करके काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख सकते हो और भी कॉमेडियंस के। बाकी लाइक सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलना, लगता है ऐसे कॉमेडियंस से जुड़ी अपडेट पाने के लिए, और कमेंट करके मुझे टिप्स भी दे देना कि कैसे ग्रो कर सकता हूँ मैं।